Yeah, let's start. How to shoot. Yeah, let's start. Yeah. Hi Raghav. Hi. आखिरकार आज हम आपसे मिल ही चुके हैं. इतने सारे गाने आपने गाए लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि वाकई ये गाना किसने गाया है. मूवीज तो हम देख लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे जो व्यक्ति होता है उनको आज भी इतना ज्यादा दर्शाया नहीं जाता है. करेक्ट. लेकिन अब एक नए गाने के साथ आए हो आप, जिसे हम देख रहे हैं सिर्फ 3 ही घंटे में इतने सारे व्यूज मिल चुके हैं. क्या कुछ कहना चाहोगे इस गाने के बारे में जिसका टाइटल है? टाइटल आपने कैसे सोचा, किस तरीके से, लाइक जस्ट लेट अस नो अबाउट. फॉर द सॉन्ग तो भाई यार मेरे को एक बहुत प्यारा सा एक बहुत प्यारा सा गाना बनाना चाहता था मैं, जो कि बहुत क्यूट हो, रोमांटिक हो, हैप्पी हो और सिंगेबल हो, सब लोग गा सकें उसे. तो और मैं वीडियो में भी आना चाहता था तो वो भी हो गया. और गाने का ऐसा था कि एक्चुअली कंपोज मैंने किया है, लिखा विराग सर ने, रश्मि विराग सर ने लिखा है. तो जब मैंने बनाया था तो मैं जिब्रिश लिरिक्स, जब लिरिक्स गाए थे तभी मैंने ऐसे गाया था, सुबह सुबह को ना 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 ना, तो दैट्स हाउ. तो सर ने बोला कि चलो सुबह को जो वर्ड है वो रिटेन करके तो उन्होंने गाना लिखा, तो इसलिए सुबह को ऐसा नाम पड़ा गाने का. एंड सुबह को गोज़ वेरी वेल विद द हैप्पी रोमांटिक वाइब दैट इट द द द सॉन्ग हैज. म्यूज़िक की जर्नी तो बहुत पहले स्टार्ट हो गई एक्चुअली. मैं सेकंड थर्ड क्लास में था तब मैं गाना गाता था, तो मैं अपनी मामा के सामने गाना गाता था तो मुझे पैसे देते थे कि ले बेटा बहुत अच्छा गाया तूने. तो स्टार्टेड देन ओनली ना आई यूज़ टू लर्न वोकल्स. मैं वोकल्स सीखता था जब अपने घर पे. बट देन आफ्टर 8th 9th क्लास प्यूबर्टी हिट, देन माई वॉइस एक्चुअली स्टार्टेड चेंजिंग. तो देन आई शिफ्टेड टू म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स. तो मैंने गिटार और कीज़ प्ले करना शुरू किया ऐसे धीरे धीरे. देन मेरी मॉम का एक पैक्ट था कि मम्मी ने बोला था कि तू एक बार कॉलेज से ग्रेड कर ले, यूजी कोर्स, जस्ट डू अ ग्रेजुएशन, उसके बाद में तुम्हें जो मन करे वो करो. देन आई कम्प्लीटेड कॉलेज का ग्रेजुएशन इन 2015 में बॉम्बे शिफ्ट हो गया. एंड तब से फिर यहीं हो रहा है जो हो रहा है. तो ऐसा द फर्स्ट सॉन्ग दैट आई डिड, मेरा अपना गाना. सो आई तो देयर इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ इट. आई यूज टू डू कवर्स बैक देन इन 2016-17. दो साल में बहुत बोरिंग लगने लगा वो कि अपना गाना क्यों. तो देन आई स्टार्टेड डूइंग माय सॉन्ग्स. द फर्स्ट सॉन्ग आई हैड कंपोज वाज ओ तेरी, ऐसा कुछ गाना, बहुत ही अटपटा सा गाना बनाया था मैंने. तो या तो इसका क्रेडिट मैं खुद नहीं ले सकता हूँ. इसका क्रेडिट जाता है टी सीरीज की टीम को और क्रेविक्सा जिन्होंने वीडियो शूट किया है. तो ये सब इन्हीं लोगों ने प्लान आउट किया है कि ऐसा एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, समथिंग डिफरेंट शुड बी, समथिंग डिफरेंट वीडियो का वाइब, ऐसा कुछ अलग सा होना चाहिए. तो वो सब क्रेडिट मैं टी सीरीज का टीम और क्रेविक्सा इज द प्रोडक्शन हाउस जिसने वीडियो शूट किया है, ही इज़ द डायरेक्टर जिसने शूट किया है. तो मैं उन लोगों को क्रेडिट देना चाहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा प्लान आउट किया है. And fine, it's looking very nice and very unique. साथ ही ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपको पता चला आप इस बार खुद भी दिखने वाले हो म्यूजिक वीडियो में, क्या कुछ कैसा अनुभव रहा, जैसे कि फर्स्ट टाइम होना कि बार-बार टेक्स होना, या फिर खुद का ही जैसे कि एक बार शूट होता है तो हम देखते हैं वीडियो लाइक फ्रेम्स में, दिस इज नॉट गुड, दिस इज बैड, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? मेरे को खुशी तो थी, मेरे को वैसे आना था, क्योंकि मैंने बोला था कि प्लीज़ मेरा गाना है, मैंने कंपोज़ किया, मुझे वीडियो में तो आना ही था. तो मैं उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ. ऑल्सो वीडियो शूटिंग बहुत स्मूथ था बिकॉज पीपल एट क्रेविक्सा दे वर वेरी होमली, बहुत घर जैसा माहौल था वहाँ पे. ऑल्सो देयर माई एज ओनली, देर ऑल 26, 27, 28 इतने एज के हैं. तो जब कुछ 2-3 शॉट्स में मैं बाबा शॉट देख जा रहा था कि कैसा आ रहा है, अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट 2-3 जब शॉट मैंने देखे तो मुझे भरोसा हो गया कि यार ये तो बहुत अच्छा आ रहा है. उसके बाद से फिर मैंने शॉट देनी छोड़ दी, फिर मैं सिर्फ शॉट दे रहा था. एंड दे वर लाइक ओके ओके.
आप पसंद करते हैं करना, जैसे कि इस बार तो एक बार हो ही गया है, इसके बाद तो आप कर ही सकते हैं। हाँ तो मैं सब कुछ ट्राई करना चाहूँगा। तो ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, तो मैं कुछ और भी, मतलब जो भी कोई डायरेक्टर मेरे को ट्राई करना चाहे मैं सब कुछ करना चाहूँगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं ये हो गया तो अभी इसी जोन में करना है। ऑल्सो जो मैं दूसरे सॉन्ग्स कर रहा हूँ वो ऐसा नहीं साउंड कर रहा है, तो ऐसा साउंड नहीं है तो फिर वीडियो भी उसका कुछ डिफरेंट होना चाहिए। लेट्स सी क्या प्लान करते हैं। आई प्रेफर एवरी थिंग, तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट सॉन्ग आई प्लान टू डू अ पॉप पॉप सॉन्ग जो मैंने बना चुका हूँ, तो नेक्स्ट सॉन्ग मेरे को पॉप सॉन्ग करना है। दैट बी नो वे क्लोज टू सुबह को जो भी रिलीज हुआ है, दिस इज वेरी हैप्पी रोमांटिक अकोस्टिक वाइब, दैट बी अ फुल लाइक अ पॉप पॉप वाइब, लाइक अ चालीपुत वाइब। माई मॉम लव द वीडियो, आई शोन माई मॉम व्हाट डिड आई डोंट रिमेंबर डे, बट मैं मम्मी को कुछ 10 दिन पहले दिखा दिया था, उनको बहुत अच्छा लगा था वीडियो। अभी मेरे आज फ्रेंड का कॉल आ रहा है कि भाई तू अच्छा दिख रहा है, मैं कहा हाँ वो मेकअप अच्छा किया है मेरा। क्या कमेंट्स पढ़े हैं सभी के? नहीं मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, बिकॉज मैं आई वॉज डाउन विद कोल्ड फीवर, तो आई वॉज स्लीपिंग एंड देन आई वोक अप, आई इमीडिएटली केम बीन हियर, बट एक बार मैं ये सब इंटरव्यूज के बाद में आई एम गोना गो होम एंड रीड द कमेंट्स फॉर श्योर। मेरे को कोल्ड हो रहा थोड़ा सा, तो सॉरी अगर क्रैक क्रैक होता। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, तेरे वास्ते कभी मेरा प्यार ना होगा कम, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। राघव आपने सभी का दिल जीत लिया, थैंक यू। जैसे कि हम देख रहे हैं बैक टू बैक इतने रोमांटिक, थैंक यू वेरी मच। नहीं लाइफ में तो नहीं है ऐसा कुछ भी, बट बस आई जस्ट लव डूइंग म्यूजिक, सो फॉर द लव ऑफ म्यूजिक आई सिंग दिस, सो दिस नो ऐसा कुछ लाइफ में ऐसा कुछ दिल नहीं टूटा है मेरा, कोई परेशान नहीं हो लाइफ में, मैं बहुत खुश हूँ, टच वुड ऐसा कुछ दिल नहीं टूटा है मेरा यार। एक्ट्रेस के लिए तो नहीं सोचा यार मेरे को, बस ये है कि अच्छे गाने करने हैं, मूवीज़ में भी गाना गाना है, दूसरों के लिए भी गाना है, अपना गाना नॉन फिल्म में खुद बना के भी गाना है, और खुद बना के जब गाना है तो वीडियो में खुद मैं होना चाहता हूँ, और खुद के लिए गाना है तो अपने आप को डेडिकेट करना चाहता हूँ, बस वैसे ही है। सरप्राइजेस ये कि नेक्स्ट सॉन्ग इज़ going to be nowhere close to Subha ko. So next song I'm making is it's a very funk. Won't say funk. It's a very pop sound, synth wave pop sound. So you'll get to hear a very different version of mine. Well, lastly we can say you all the best for all the new upcomings. Thank you very much. And what you would like to say to all your viewers? Please listen to my new song Subha ko. Iske baad bhi jo bhi release hue please sunte rahiye. बार बार स्ट्रीम कीजिएगा, बार बार स्ट्रीम आप करेंगे तो मेरे ज़्यादा प्लेज आएंगे, तो ज़्यादा प्लेज आएंगे तो मैं खुश हो जाऊँगा, बस यही बोलना चाहूँगा।